Hello and welcome to Rubaru. In the last GST Council meeting, two critical issues were taken up. First was the issue of taxation rates, and the next was on the issue of dual control. On the issue of taxation rates, both all the states and the centers could arrive at a successful consensus. But on the sticky issue of dual control, the deadlock still continues. Today we have Mr. Amar Agrawal. He is the Finance Minister of the state of Chhattisgarh, one of the promising states of India. Welcome to the program, sir. Chaliye, bahut bahut dhanyawad aapka. Sir, GST Council mein one of the most striking feature hai jo sari cheeze consensus se ho rahi hai. Do voting mechanism hai usme, but the decisions are being finalized through consensus. And the credit goes to all the finance ministers and the union finance minister. Sir, main janna chahta hu, what is the role of the state of Chhattisgarh, what role it is playing in building up this process of consensus? I mean, jo bhi BJP ruled states hai, aisa hai ki jo bhi BJP ruled states hai, unme aur center mein koi difference of opinion hai hi nahi, aur they are always on the same page, to consensus building mein koi problem hi nahi hota, aur there are differences aur wo help kar rahe hain consensus mein arrive karne mein. Kaise ho raha hai sir ye meeting? Ek to sabse pehle main धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का और हमारे देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का. 2002 से ये प्रक्रिया प्रारंभ थी और 2016 में जीएसटी का जो संविधान संशोधन है वो पास हुआ. और अगर इससे जीएसटी टैक्स को अगर हम देखें तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता. अच्छा, कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में ना तो अब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार बचे और ना स्टेट गवर्नमेंट के कोई अधिकार बचे. अब इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो भी फैसला करना है वो सामूहिकता के आधार पर जीएसटी काउंसिल को करना है. और ये एक प्रकार से एक देश एक टैक्स के साथ साथ राष्ट्रहित में सारे राज्य एक हैं, क्योंकि राज्यों में जो पॉलिटिकल परिस्थितियां हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग विभिन्न राजनीतिक दल हैं, सबकी भौगोलिक स्थिति अलग है. तो ये देश में आज़ादी के बाद एक सुखद अनुभव हो रहा है, एक नया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को लिए मिला है. जैसे बाकी स्टेट्स के अपने अपने कुछ डिफरेंसेस होते हैं सेंटर के प्रपोजल, निश्चित तौर पे बीजेपी रूल स्टेट्स के अभी तक 5 बैठकें हुई हैं जीएसटी काउंसिल की और सारे महत्वपूर्ण निर्णय थ्रेशहोल्ड कंपोजिशन जीएसटी के रूल कंपनसेशन कंपोजिट कंपोजिशन कितना रहेगा ये सारे यूनानिमस फैसले हुए. और मैं तो एक इसको अलग नज़रिए से देख रहा हूँ, ये जीएसटी काउंसिल इस देश में एक नज़ीर बनेगी कि अलग अलग भौगोलिक स्थिति अलग अलग पार्टियाँ और यूनानिमस हो रहे हैं. रेट आप जो टैक्सेस हैं उसमें भी यूनानिमस सहमति हुई है. जैसा आपने बस कहा का 5 हुआ और 26 जो बोला था, जैसे आपने कहा कि अलग अलग सबके व्यू होने के बाद भी सब एक हो रहे हैं, तो इसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जेटली जी का, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल चलती है जी. और इतने खुले दिमाग से सबकी सुनना, समाधान निकालना, सबकी सहमति बनाना, मैं प्रशंसा करना चाहूँगा वित्त मंत्री जी की. क्योंकि शुरू में हमारे मन में संशय था कि मालूम नहीं क्या होगा, सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी, और एक एक विषय पे 10-10 घंटे चर्चा, ये वास्तव में देश के लिए बहुत ही अच्छा है. और जहाँ तक बीजेपी रूल स्टेट है या कोई और रूल स्टेट हैं पॉलिटिकल पार्टी के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है अच्छा, लेकिन उसके बाद भी सहमति बनती है, तो एक अच्छी चीज़ है.
और अभी तक हमको ये अनुभव नहीं हुआ ऐसा नहीं कि है जो जीएसटी लगने के बाद कहीं कोई हमको परेशानी महसूस हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये बीजेपी रूल स्टेट है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं opinion. कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। वहाँ पर जो चर्चा होती है, सबका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरे साथी जो वित्त मंत्री हैं या अदर विभाग के भी मंत्री हैं जो जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं राज्यों के द्वारा, सबने वहाँ अभी अपना जो पॉलिटिकल एंगल है उस पर चर्चा नहीं की जी। सबकी चर्चा हमारा स्टेट, हमारे स्टेट की इंटरेस्ट जो परिस्थिति इंटरेस्ट पे है उसी पे डिसीजन होना चाहिए और साथ साथ नेशनल इंटरेस्ट पे भी। मैंने पहली बार एक बड़ा सुखद अनुभव आज इस देश में देखने को मिल रहा है जी। सर, जैसे सेस का विषय अगर हम उठाए, उसमें पहले स्टेट्स से ऑपोजिशन था, फिर फाइनली स्टेट्स हैव अग्रीड दैट सेस विल रिमेन एज अ वे ऑफ कॉम्पनसेशन, तो सर ये कैसे हुआ? आई मीन इस पे कोई बार्गेनिंग हुआ, कोई ट्रेड ऑफ हुआ? नहीं नहीं, कोई इसमें बार्गेनिंग नहीं है, कोई ट्रेड ऑफ नहीं है। शुरू में ऐसा लगता था कि जो जीएसटी का ये मूल कंसेप्ट है उसके कारण सेस नहीं लगना चाहिए जी। लेकिन जो अगर हम रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो हमारा आरएनआर है वो लगभग अगर हम स्टैंडर्ड रेट में जाएंगे तो राज्य और सेंट्रल का मिला के जो एनआईपीएफपी की रिपोर्ट है 21% है जी। जी, और अभी जो हमने कैलकुलेशन किया है आरएनआर जो आ रहा है वो नियर अबाउट 60-70 के बीच में आ रहा है। तो ये जो 4% का गैप है कहीं ना कहीं स्टेट की और सेंट्रल की जो रेवेन्यू है वो लूज होगी। उसके कंपनसेशन के लिए, क्योंकि भारत सरकार का कमिटमेंट है 5 साल तक देंगे जी, तो भारत सरकार के सामने भी प्रॉब्लम है और जीएसटी के इनडायरेक्ट टैक्सेस का लोड दूसरे टैक्सेस पे नहीं डाला जा सकता, इसलिए हमने सेस को स्वीकार किया। लेकिन साथ में हमने एक निर्णय और किया है कि 5 साल के बाद ये सेस नहीं रहेगा कंपनसेशन के बाद, और इन केस अगर कंप्लायंस बढ़ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनसेशन नहीं करना पड़ेगा तो ये सेस जो है सारे राज्यों में बटेगा। अच्छा, तो इसलिए हमारी इसमें सहमति है। और जहाँ तक कुछ प्रश्न उठते हैं कि भाई सेस लगाना, 4 स्लैब बनाना, ये अगेंस्ट जीएसटी है, जीएसटी का मूल कंसेप्ट नहीं है जी। ये अपनी अपनी धारणा हो सकती है। कुछ कंट्री के उदाहरण हैं कि जहाँ पर 3-4 टायर स्लैब हैं, लेकिन एक प्रसन्नता की बात है, एक देश एक टैक्स प्रारंभ तो हुआ पहला, और अनुभव के आधार पे कोई आज मुहूर्त तो नहीं निकला है कि हम आज ही सारी चीजें करें। अनुभव के आधार पे मैं ऐसा समझता हूँ कि जीएसटी की जो रिफॉर्म्स में से टाइम लगता है उसमें मूल कंसेप्ट होगा वो आएगा। करेक्ट सर। तो ये जो पीक रेट जो हमारा है 28%, उसमें सर आपको क्या लगता है कितनी कौन कौन से गुड्स? नहीं देखिए, अभी तक क्योंकि कॉमोडिटी वाइज ऑफिसर लेवल की मीटिंग होना है और बाद में फाइनल प्रपोजल जीएसटी काउंसिल के सामने आना है, लेकिन एक मूल सिद्धांत जीएसटी काउंसिल के द्वारा तय है। अच्छा, कि किसी भी कॉमोडिटी पे आज सारे टैक्सेस मिला के जो टैक्स है उससे ज़्यादा कोई कॉमोडिटी न जाए, ये हमारा मूल सिद्धांतिक रूप से तय है। सर, अब आते हैं ये ड्यूअल कंट्रोल वाले इशू पे, ये जो क्रॉस एम्पावरमेंट है जो कि हम इस लास्ट काउंसिल मीटिंग में डिसाइड नहीं हो पाया सर, तो मोस्टली स्टेट्स हैव अग्रीड टू द हॉरिजॉन्टल मॉडल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ द सेंटर व्हिच इज वर्टिकल मॉडल, इसमें छत्तीसगढ़ का क्या स्टैंड है सर? आपको लगता है हॉरिजॉन्टल मॉडल वर्केबल है? देखिए, कोई भी स्टेट का मैं इसमें अलग व्यू नहीं होना चाहिए। जीएसटी काउंसिल अपने अपने व्यू पे चर्चा के लिए बनी हुई है और निर्णय के लिए बनी हुई है जी। हमारा मत कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली यूनानिमस जो डिसीजन होगा, तो इसलिए हम पहले से कोई धारणा बना के नहीं आते या कोई व्यू नहीं बनाते। हमारा जो व्यू है उसको हम जीएसटी काउंसिल के सामने रखते हैं, फिर उस पर चर्चा होती है। अभी तक दो ऑप्शन, जहां ऐसा लगता है कि दो ऑप्शन बचे हैं, एक तो वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल, ये दो ऑप्शन हैं। इन दो ऑप्शन पे अनौपचारिक रूप से हमारे वित्त मंत्री जी ने सारे
स्टेट के मिनिस्टर्स लोगों को बुलाया है 20 तारीख को जो 24 और 25 को जो मीटिंग होगी उसमें हम निर्णय कर लेंगे। और इसके साथ ही जो बिल इंट्रोड्यूस होना है पार्लियामेंट में भी होना है, फिर हमारी स्टेट में भी आना है, 25 तारीख तक मैं ऐसा समझता हूँ यूनानिमस डिसीजन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ क्या सर, आई मीन डज इट एग्री टू दिस हॉरिजॉन्टल मॉडल? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि एक एक स्टेट के कोई व्यू नहीं होना चाहिए, अपना एक व्यू होता है। जीएसटी काउंसिल के सामने जाएगा छत्तीसगढ़ का, तो इस मामले में बड़ा खुला दिमाग है जिसमें सबकी सहमति बन जाए, छत्तीसगढ़ उसके साथ है। सर आपका अपना स्टेट का भी तो नहीं, स्टेट का कोई व्यू थोड़ी होता है, जहां हमको देखिए अलग अलग स्टेट का व्यू के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो जीएसटी कभी इस देश में नहीं आ पाता। नहीं आ पाएगा, करेक्ट सर। अलग अलग अगर व्यू के हिसाब से चलते तो इतने बड़े बड़े निर्णय अभी तक नहीं हो पाते। व्यू होना एक अलग विषय है, लेकिन साथ में खुला दिमाग होना जरूरी है, करेक्ट सर, कि सबके सहमति में हमारी सहमति। और फिर मेरी बहुत स्पष्ट मान्यता है कि अगर आज जीएसटी काउंसिल में कोई भी निर्णय होते हैं, कल उसके अनुभव के आधार पे अच्छे अनुभव और खराब अनुभव सामने आएंगे, हम सब बैठ के इम्प्रूव करेंगे। जीएसटी काउंसिल तो स्थायी रूप से बनी हुई है, करेक्ट सर, फिर उसमें बैठ के रिवाइव करेंगे। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी राज्य को कोई व्यू स्ट्रांगली नहीं बनाना चाहिए। समझिए, सर, लेट्स टॉक मोर अबाउट द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। व्हाट इज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द वैट डिपार्टमेंट इन छत्तीसगढ़ सर, मतलब कैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं? हमने पूरी तैयारी कर ली है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जीएसटीएन जिसको पूरा नेटवर्क का काम करना है उसने छत्तीसगढ़ राज्य को मॉडल सेकेंड बना है, क्योंकि हमने पहले से ही जो हमारा नेटवर्क है बहुत स्ट्रांग बनाया हुआ है। ओके सर, और 14 तारीख से हमारे यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जीएसटी के 14 नवंबर को प्रारंभ हो जाएंगे। अधिकारी लेवल की हमारी ट्रेनिंग चालू है। छत्तीसगढ़ 1 अप्रैल से जीएसटी आए उसके लिए तैयार है। और सर रेवेन्यू में अभी कितना कलेक्शन है और कितना लगता है बढ़ जाएगा सर जीएसटी? नहीं देखिए, अभी अगर हम पूरा अगर हम अनुमान करें जी सर, तो लगभग जो भारत सरकार ने एक अनुमानित किया है कि राज्यों को जो कंपनसेशन देना होगा वो लगभग 52,000 करोड़ रुपए का जी कंपनसेशन होगा, खासकर जो एक्सपोर्टर स्टेट हैं जी, सप्लाइंग जिनका सीएसटी जाएगा उनकी रेवेन्यू कम होगी। बिल्कुल, जो इंपोर्ट करते हैं कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, बिल्कुल सर, उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी बढ़ेगी। तो जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पे आज के अनुमान में हमारी जो रेवेन्यू है वो घटेगी और इसीलिए भारत सरकार ने 5 साल तक फुल कंपनसेशन और न केवल फुल कंपनसेशन बल्कि उदारता के साथ 14% की ग्रोथ के साथ, क्योंकि आज तो देश की ये ग्रोथ भी नहीं है, सारे राज्यों को उदारता के साथ उन्होंने 14% ग्रोथ को स्वीकार किया है। और इसके साथ 2-3 विषय इसमें और जुड़े हुए हैं राजस्व को लेके, हो सकता है कि हमारा टैक्स कंप्लायंस ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है कंपनसेशन की स्थिति नहीं आए, हमारी रेवेन्यू भी बढ़ सकती है। दूसरा, अगर मान लो हमारी राजस्व 5 साल के बाद, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैं, बहुत सी इंडस्ट्री आएंगी और इंडस्ट्री आएगी हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा, तो 5 साल के बाद हम सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मत है, इसमें टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा और भारत सरकार और सारे राज्यों को भी आगे रेवेन्यू के अतिरिक्त स्रोत बिना रेट बढ़ाए टैक्स कंप्लायंस से मिलेगा। आई एम गुड टू सी यू आर सो ऑप्टिमिस्टिक सर। सर, पर इसमें आप अवेयरनेस कैसे फैला रहे हैं? लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ट्राइबल पॉपुलेशन भी है, तो एक ट्राइबल एरिया में एक स्मॉल ट्रेडर, ही इज डूइंग बिजनेस, ही विल आल्सो बी कवर्ड अंडर जीएसटी। नहीं नहीं, तो हम ये अवेयरनेस कैसे फैला रहे हैं सर? देखिए, ये कोई कैंपेन चल रहा है? नहीं, देखिए मैंने पहले ही कहा कि छत्तीसगढ़ ने पहले से तैयारी की हुई है। आज हमारे यहाँ जो ऑनलाइन रिटर्न है 100% है, ई पेमेंट, ई रिफंड,
ऑलरेडी हम 5 साल से चला रहे हैं। वो एक अलग बात है कि ट्रेडर्स नहीं जानता, लेकिन जो एडवोकेट हैं वो जानते हैं। जानते हैं। तो ये जो एक देश में एक चर्चा का विषय है कि छोटे ट्रेडर्स अनजान हैं, तो छत्तीसगढ़ जैसा बैकवर्ड एरिया 100% जो हमारे रिटर्न है वो ऑनलाइन है। मतलब जो जो वाउचर्स, जो बिल्स जो अपलोड करने होंगे उस सब ऑनलाइन है, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच सर फॉर बहुत धन्यवाद समय दिया, एंड वी होप दैट द नेक्स्ट बाय द नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग द इशू ऑफ ड्यूअल कंट्रोल इज आल्सो रिजॉल्व। थैंक यू सो मच।